करता हूँ कि जो पेंशन का रेशियो था, जो पेंशन का रेशियो था 60-40 का रेशियो था पहले से, जिन्होंने ये दो वेज डिविडेंड की बात हुई तो हमारे जो अभी पी आर मानुष हैं, जब 2019 में मानुष सिन्हा साहब ने बुलाया वहाँ पर हेडक्वार्टर में, तो सारे यूनियन की स्कूटी पड़ी के लोग भी थे उपस्थित, हमारे जनरल सेक्रेटरी महोदय बैठे रहे और उनका भी प्रोग्राम था, मनुष्य साहब का भी प्रोग्राम था उसमें। लेकिन जब मीटिंग में भाग लेने की बात हुई तो केरल में कॉन्फ्रेंस करने चले गए, हमको मिल जाएगा हम लोगों को कुछ मिले, सभी कर्मचारी जो आप लोगों को सलूशन हो, ये सब बातें हैं यहाँ। क्या कार्यक्रम यह आयोजित किया गया? ये दरभंगा बीएसएनएल परिचालन परिषद का ग्रामीण और दरभंगा ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस है आज, जिसमें हमारे दिल्ली से राष्ट्रीय महामंत्री श्री चंद्रशेखर सिंह जी, बिहार परिमंडल के सदस्य संजय कुमार, पटना जिला अध्यक्ष जी, पटना उपाध्यक्ष, सारे लोग जो माना किया था लोग नहीं माना। किन मुद्दों पर चर्चा होगी? आज चर्चा होगी जिसमें हम लोगों को हमारे रिवीजन का भी बताएंगे राष्ट्रीय मंत्री जी, जब बीएसएनएल में क्या काम सब हो रहा है सब हम लोगों को संबोधित करेंगे। 5 साल जितना हो गया, जैसे मेरे भाई का उपाध्यक्ष का 5 साल जितने जयी रहा गया उसको जेडीयू की परीक्षा में उठाई, ई रेस्पेक्टिव वैकेंसी पूरे देश में परीक्षा कीजिए, जितना 5 साल हुआ है उनको बैठाइए, जो क्वालिफाई कर जाए जो फेल कर जाए उसको नहीं, जो क्वालिफाई कर जाए उसको सीटू जेडीयू बना दीजिए और उसका जेई का पोस्ट एबोलिश कर दीजिए। इसलिए कि रेस्पेक्टिव में जो IIM का रिपोर्ट है उसके अनुसार 1/11/2021 को जितना स्टाफ है प्रतिबंध है भारत सरकार के, उससे 1 भी मुल्ला बढ़ना नहीं चाहिए, तो मुल्ला बढ़ेगा नहीं, 1 मुल्ला जेई से जेटीओ बन जाएगा, उसका जेई का पोस्ट एबोलिश हो जाएगा, पोस्ट उतना है आदमी उतने बोलता है लोग, जेई कैसे बनेगा, टीटी से जेई कैसे बनेगा, सेम फॉर्मूला, टीटी से जेई का परीक्षा लो जो पास कर जाए उसको बना दो, उसका पोस्ट एबोलिश कर दो, ATT से TT का कर दो। अब ये सुनने में किसी को समझ नहीं आती, किसी को लगता है कहां से ये बात आया, अरे भाई हम लोगों ने किया हुआ है, NFT है मित्रों, NFT के पास एक से एक कहानी है, एक से एक कर्म है इसके किए हुए। 1995 से 1999 के बीच भी रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था, हमारे जो पुराने साथी हो गए, दुर्भाग्य हमारा हो गया कि अब उनमें से इक्के दुक्के मिलते हैं, उस समय भी लाइन मैन का 2 पोस्ट को खत्म करके टेलकॉम में गेने का पोस्ट बनाया गया था, 56,000 लाइन मैन थे तो 28,000 पोस्ट बना, मिनिस्टर के साथ बाहर कर लिए, उन्होंने समस्या का समाधान करवाया और उन्होंने इस चीज को मंजूरी दी कि नहीं पेंशन DOT को देना, BSNL का पार्ट अपना समय समय पर में होते रहेगा, इसके चलते 2 पार्ट में पेंशन नहीं मिलेगा, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद साथियों हम लोगों का भी समस्या जो बीच बीच में बहुत सारे लोगों का लेवल पर भी आए, बिहार के अंदर भी आए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का भी आए हैं, बहुत ज्यादा जगह